और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही, पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। कल दरअसल पंच और सरपंच पद को लेकर मतदान प्रदेश के 9 जिलों में होगा। दूसरे चरण का मतदान है कल और मतदान पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। रोहतक जिले में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 35 पुलिस पार्टियां तैनात रहेंगी शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए। रिजर्व फोर्स का भी इंतजाम यहां पर किया गया है। रोहतक में 142 पंचायतों में 529 बूथ बनाए गए हैं। बड़ी खबर, दरअसल दूसरे चरण के तहत कल सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग होगी 9 जिलों में, जिसमें रोहतक का जिला भी शामिल है। और क्या कुछ तैयारियां जिला प्रशासन की हैं वो भी आपको बता रहे हैं। बूथ केंद्र के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो। आपको बता दें कि कल 9 जिलों में मतदान होगा सरपंच और पंच पद को लेकर। इससे पहले 9 तारीख को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। रेवाड़ी, रोहतक, इन तमाम जिलों में कल मतदान होगा। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रोहतक से ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। संजय, कल सरपंच और पंच पद को लेकर वोटिंग होनी है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से कल को लेकर? देखिए, पंच और सरपंच के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां जो है कर ली है। उसके साथ साथ जो है अगर बात करें हम तो प्रशासनिक अधिकारी जो जिनकी पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगनी है उनको भी जो है ईवीएम मशीन पूरी तरह से चेक करवा दिया गया है और बूथों के लिए जो है रवाना कर दिया गया है ताकि कल सुबह 5 बजे से जो है पोलिंग शुरू हो जाएगी। मतदाता सुबह 7 बजे अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं और शाम 6 बजे तक जो है ये चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जो है लगातार इस दौरान जो है पुलिस बल भी तैनात रहेगी और कहीं ना कहीं ये कहें कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं। अगर मैं बात करूं आपको तो 35 पुलिस पार्टियां जो एक बूथ पर रहने वाली है, अगर उसके साथ साथ एक रिजर्व फोर्स भी जो है वो भी रहेगी। हालांकि पेट्रोलिंग पार्टी भी जो है वो भी साथ साथ पेट्रोलिंग करती रहेगी और जो सुरक्षा कर्मी है उनकी पॉकेट पर कैमरा भी हैंडीकैम कैमरा भी लगा होगा ताकि जो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उस पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी ताकि ये चुनाव शांति तरीके से करवाया जा सके। संजय, अभी हाल ही में 9 तारीख को यहाँ पर जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान हुआ था, लेकिन जानकारी सामने आई रोहतक जिले से कि कई कर्मचारी इस दौरान ड्यूटी पे थे ही नहीं मौजूद। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई को लेकर बात सामने आई है, कल किसी प्रकार की परेशानी ना आए इसे लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जिला परिषद का जब चुनाव हुआ था तो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो जो है ड्यूटी से उस दिन निराश मिले जब उनको ईवीएम मशीन दी जा रही थी और ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसी दौरान जो है निर्वाचन आयोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और 400 के लगभग जो है नए कर्मचारियों को उसी समय जो है ड्यूटी पर लगाया गया जब और इसी तरीके से जो है इसी दौरान तो जो है चुनाव सही तरीके से किया गया। लेकिन उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने उन कर्मचारियों पर जो है सख्ती बरतनी शुरू की और उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई शुरू की और यहाँ तक कि FIR तक दर्ज करवाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों में हड़कंप सा मच गया क्योंकि कुछ कर्मचारी जो है नादार मिले थे वो लापरवाही भी उनकी सामने आई थी लेकिन कुछ कर्मचारियों की डबल ड्यूटी लगी हुई थी। उसको देखते हुए लगभग अगर रोहतक जिले की बात करें तो 300 कर्मचारियों पर जो है गाज गिरनी तय है। हालांकि आज जो है जिन कर्मचारियों को बुलाया गया था उनको लेकर भी कहीं ना कहीं ड्यूटी संजय, लोगों में कितना उत्साह है कल मतदान को लेकर? 19 महीने की देरी के बाद छोटी सरकार गांव की सरकार के लिए मतदान हो रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि काफी सालों से जो है चुनाव नहीं हो रहा था क्योंकि 2 साल तो कोरोना ने जो निकाल दिया था उसी दौरान जो है मूलभूत सुविधाएं और ग्रामीण इलाकों की जो समस्याएं है वो काफी बनी हुई थी। इसी को लेकर ग्रामीण काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और काफी जोश में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों को साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे ग्रामीण की जो उनकी सुविधाएं हैं तो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सरपंच पूरी करवाता है क्योंकि सरपंच एक सरकार और जो आम नागरिक है उसके बीच की एक कड़ी होती है।
छोटी सरकार उसको कहा जाता है, छोटी सरकार का नामुद्दा जो है उनके काम की लिस्ट जो है वो लेकर वहाँ पहुँचता है सरकार के पास, और सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं तब जाके उनके काम होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इलाके में बहुत से ऐसे काम है, पीने के पानी की समस्या की बात करें या नालों की सफाई की बात करें या सफाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो इन चीजों से वंचित नजर आ रहे थे। अब वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा उससे उनको नया सरपंच मिलेगा और उनके गांव का विकास होगा, क्योंकि सरपंच जो है उनके काम करवाता है वही मिलेगा और गांव का विकास होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमने 122 बूथों पर चुनाव की व्यवस्था की है और आज 11 तारीख को सभी जो पार्टीज हैं जो चुनाव कराने जा रही हैं उनका गठन करके उनको अपने गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसको सुचारू पूर्वक और शांति प्रिय तरीके से इस चुनाव को कराने में सफल होंगे।